हम आप सबके सामने लेकर आए हैं कुछ लघु कथाएं। मुर्दों का गांव, उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही कब्रें जमुहाइयाँ लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों पर, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर ढाप कर सूखे ठूठों की कोटरों में छिप जाते हैं। और इसी से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों की झुरमटों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले ही से खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इस गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध, सियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सर घूम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमटों में अटक कर रुक गए और सामने मुर्दे के गांव का पहला झोपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई और 1 ओर की दीवारों के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह निताई धीवर है। कहाँ? अखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्ठा जवान था। अकाल पड़ा, भूख से उसकी माँ मर गई। उसके पास खाने को न था, फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, माँ के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी जगह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था। वह लड़का बोला, हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा, वह सांस ले रही है, सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांसें ले रही है। क्या वाहियात बकता है? अखिल ने झुसलाकर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते थे। उसमें से 3 भूख से मर गए, रह गए सिर्फ जुलाहा, जुलाहिन और उनका करघा। मगर भूख से उसकी नसें इतनी सुस्त थी कि करघा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़े खोद कर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियार की खीसे। जुलाहा बीमार पड़ गया, जुलाहिन जड़े खोदने जाती थी। एक दिन जड़े खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कट कर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा और बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्ला कर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है, न करघा चला सकती है न जड़े खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घुमा करती है। वह अभी सांस ले रही थी, सुना नहीं आपने?
अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोपड़े में घुसे। लड़का ठिठका मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों ने सट कर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में तीन कब्रें आसपास खुदी हुई थी। बीच की कब्रें में एक बड़ा सा छेद था, उसमें से एक बिज्जू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाह से पल भर देखकर सर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे की किवाड़ खटक उठी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मेरे खून का कतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया, धीरे से किवाड़ खोल दी और उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन नहीं होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता। वह जानवर भी नहीं था, भूत भी नहीं, एक औरत नुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी। सर के बाल झड़ गए थे, निचला ओर झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की दो अधकटी और तीन साबित उंगलियों में कुछ जड़े। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़े जमनी जमीन पर रख दी और अपने तीनों उंगलियों वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई, वह भूखी है इसलिए वह आदमी ही होगी क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले से एक केले को निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई मगर फिर रुक गई, उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कुतूहल हुआ, हम लोग भी पीछे पीछे चले। वहाँ औरत सहन के एक कोने में गई। वहाँ एक मुर्दा था जिसकी सड़ांध आंगन में फैल गई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज़ निकली, जुलाहा, यह तो जुलाहे की लाश है, यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चीटियां लग रही थी। उसने केला और जड़े लाश के मुंह पर रख दी और हंसी हंसी की आवाज़ मुंह से नहीं निकली मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी होगी। मगर दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सर रखकर सुबकने लगी, यह जुलाहिन है मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस, नो, इट इज ड्रॉप्सी। देखते नहीं जहरीले जड़े खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोपड़े के भीतर आए। पास में एक गड्ढा था, सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर आए, लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक ओर लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई। फिर भी किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाहे के पास आई थी जड़े लेकर, क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा उठो, अखिल बोला, हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक और जुलाहा, दूसरी और जुलाहिन बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1946।
और हम चल पड़े।